हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 9 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सीताराम सैनी आप सबका दोस्त स्टडी पॉइंट 9 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे कल की क्लास पूरी न होने के कारण आपसे क्षमा चाहता हूं। कल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारी क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। आज हम कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। कल हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं, कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। बात करते हैं हम व्यंजनों के वर्गीकरण की। हमने कल स्वरों का वर्गीकरण एक चित्र के माध्यम से पढ़ा था, उसी चित्र के माध्यम से हम पढ़ेंगे आज व्यंजनों का वर्गीकरण। यह है मनुष्य के मुख का चित्र, ठीक है। यहाँ हमने कल पढ़ा था, यहाँ है कंठ, यहाँ कंठ, कंठ के यहाँ ज्येष्ठ ऊपर है, जहां पर ये हमारा काकल्य होता है वहां पर है तालु, उसके ज्येष्ठ आगे है मूर्धा, और उसके बाद हमारे दंत, दंत के बाद हमारे आते हैं ओष्ठ। ये फॉर्मेट तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा कल। अब हम स्टार्ट करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि उच्चारण कैसे कैसे उच्चारण होता है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ हम स्टार्ट कंठ से करते हैं और हमारे व्यंजन भी के वर्ग से होता है स्टार्ट। यहाँ के यानी कंठ है, आप यहाँ ऐसे लिख लो के वर्ग, के वर्ग, के वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ। उसके बाद आता है तालु, तालु में आपको करना है चे वर्ग, के वर्ग के बाद क्या आएगा चे वर्ग, चे वर्ग के बाद में क्या आएगा दोस्तों टे वर्ग। देखो के चे टे, इसके बाद आएगा ते वर्ग। आपको याद करना नहीं है, आपको आपको अपने आप साथ साथ में याद हो जाएगा। ये आपको फॉर्मेट कल याद हो गया, और ये तो याद इसमें क्या करना है, कण यानी कि पहले सबसे पहले के वर्ग, उसके बाद चे वर्ग, उसके बाद टे वर्ग, और उसके बाद ते वर्ग, और उसके बाद रहा पे वर्ग। यानी कि हमारे जो वर्गीय व्यंजन थे उनका उन सभी का हमने वर्गीकरण देख लिया था। ये फॉर्मेट आपको कल भी मैंने याद करवा दिया था, आज हमने कम से कम 3 बार तो रिविजन कर ही लिया। उसके बाद के चे ट और पे, ये सब क्रम से है और ये आपको क्रम से पहले से याद है। यानी कि आपको याद नहीं करना है कि मूर्धा टे वर्ग है या दंत ते वर्ग, ऐसा कुछ याद नहीं करना आपको, ये सीधा फॉर्मेट याद रखो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे वर्गीय व्यंजन 25 तो आ गए, उसके बाद हम बात करेंगे वर्गीय व्यंजन की उनकी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हमने यहाँ से के से स्टार्ट किया था कंठ में, इसके बाद हम अब देखेंगे ये रे ले वे का उच्चारण स्थान, ठीक है। आपको ये रे ले वे में इसको छोड़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये क्या है ये, इसके बाद रे, ये रे ले और वे, हो गया चारों का उच्चारण स्थान। यानी कि ये है ये का, ये रे का, ये ले का और ये वे का। ये रे ले वे में आपको ध्यान रखना है कर्ण को छोड़ना है। और उसके बाद हम बात करेंगे से की। देखो ये रे लेवे में आपको कंठ को छोड़ना है और शेष में आपको कंठ को नहीं छोड़ना है, ठीक है। देखो ये रे ले वे और है, ठीक है। हमको इसको यहां से छोड़ के इसको स्टार्ट करना है ऐसे, वे के बाद आने के बाद यहाँ आपको हे भी लिखना है, यानी कि हे का उच्चारण स्थान ये है कंठ। और उसके बाद हम बात करते हैं शे की, यहां से होगा ये से, यानी कि ये कौन सा से हो गया तालु, तालव्य से। उसके बाद ये मूर्धन्य से और उसके बाद ये दंत्य से। अब देखो हमारे 25 तो वर्गीय व्यंजनों का उच्चारण स्थान हो गया, उसके बाद हमारे ये रे ले वे और हे, 25 और 4 ये कितने हो गए साथियों 29 के बाद में 1, 2 और 3 तीनों से हो गए, ठीक है। अब चलो हमारे व्यंजनों का उच्चारण स्थान तो कंप्लीट है, व्यंजनों के अगले वर्गीकरण में पढ़ेंगे हम अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। वो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 8 प्रकार होते हैं, वर्गीकरण को हम 8 भागों में बांटते हैं। अगला बिंदु हमारा होगा अभ्यंतर
अभ्यंतर अभ्यंतर पर्यटन पर्यटन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसके कितने प्रकार है? 8 प्रकार। ठीक है, सबसे पहले हम पूरे पूरे व्यंजन लिख लें। तो रोक दिया जे छ जे जे ए ठ ड ड अन ते ठ डे ड ने ए ठ डे ड ने ये र ल व स स स जिस तरह साथियों मैंने लिखा है ना, उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ये इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट लिखा है। ऐसा नहीं कि सर ऐसे क्या लिख दिया, सीधे सीधे कर दिया आपने, ये ल व और ये से 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 है सभी आपने सीधे सीधे कर दिए। देखो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर इनके 8 प्रकार होते हैं। अब हम 8 प्रकारों को आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो पांचों यानी पंचम वर्ण होता है ना, वर्गीय व्यंजनों का पंचम वर्ण, इसे हम कहते हैं नासिके व्यंजन। इनको हम क्या कहेंगे? नासिके व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 5। इनकी संख्या कितनी है? 5। सबसे पहले इनको अलग कर लो। ये हो गए हमारे नासिके व्यंजन 500 के 500। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यानी कि ये के वर्ग, उसके बाद टे ते और पे वर्ग, यानी कि ये चारों वर्ग, के वर्ग और टे ते और पे वर्ग, हमको चे वर्ग को छोड़ना है। ठीक है, यानी कि 4, 4-8, 4-12, 4-16, ये 16 के 16 होते हैं स्पर्श व्यंजन। आप इसी सारणी को ऐसे बना लेना, अच्छे से याद रहेगा आपको। एक ही कॉपी में आप एक बार लिख लोगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसको कुछ इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, इन्हें कहेंगे हम स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 16। अब हमारे बीच में रहा ये चे वर्ग, हम चे वर्ग को कहेंगे स्पर्श संघर्ष व्यंजन। क्या कहेंगे साथियों? स्पर्श संघर्ष व्यंजन। ये कुल कितने होते हैं? 4। उसके बाद ये है ना, ये और वे, इन दो वर्णों को हम क्या कहेंगे? संघर्षहीन व्यंजन। इनको हम कहेंगे संघर्षहीन व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 2। अब हमारे पास रहे रे। रे को हम कहेंगे कंपन जात। रे को क्या कहेंगे? कंपन जात। इसी कंपन जात का दूसरा नाम है लुंठित व्यंजन। इस रे को हम कंपन जात भी कह सकते हैं, और इसको हम लुंठित व्यंजन भी कह सकते हैं। अब रहा हमारे पीछे ले। ले को हम कहेंगे पार्श्विक व्यंजन। क्या कहेंगे साथियों? बोलो मेरे साथ, पार्श्विक व्यंजन। अब देखो, अब हमारे पास रहे से, से और है। अब इन सभी को इन चारों व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? उषम संघर्षी व्यंजन। क्या कहेंगे हम? उषम संघर्षी व्यंजन।
इनकी संख्या कितनी है? चार। अब देखो एक बार गिन के बताओ क्या ये आठ प्रकार हो गए क्या? एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात प्रकार ही हुए, आठ प्रकार कहाँ गया? लास्ट वाला हमारा वर्गीकरण रहा था उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हमारे? दो, डे और डे। अब देखो साथियों आठ प्रकार हो गए। पहले ये क्या उत्क्षिप्त व्यंजन क्या थोड़ा बाहर गया हुआ था चाय पानी पीने के लिए इसलिए नहीं मिला ये, ठीक है तो मिल गया ये। अब देखो कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, ठीक है। आप इसको इसी फॉर्मेट में लिख लेना, अच्छे से याद होगा। देखिए एक बार हम रिविजन कर लेते हैं, ठीक है साथियों। पंचम वर्ण पांचो यानी कि हमारे वर्गीय व्यंजनों के पंचम वर्ण को हम क्या कहेंगे? नासिक व्यंजन, ठीक है। उसके बाद के वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, हमें इसको चे वर्ग को छोड़ना है, ठीक है। ये सोलह के सोलह हम क्या कहेंगे? स्पष्ट व्यंजन। ये देखो इनको हमने यहाँ ले रखा है यहाँ पर ये, और चेवड़ को हम क्या कहेंगे? स्पर्श संघर्ष व्यंजन। ये और वे को हम कहेंगे संघर्षहीन व्यंजन। रे को हम कहेंगे कंपनजात या लुंडित व्यंजन, और ले को हम कहेंगे पार्श्विक व्यंजन, और शे 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 और हे को कहेंगे उषम संघर्षी व्यंजन, और नासिक व्यंजन हमारे हो गए और उत्तक्षिप व्यंजन हमारे हो गए। टोटल आप देख लो आठ प्रकार हमारे हो गए। अगला वर्गीकरण हमारा है साथियों बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो है अल्पप्राण, दूसरा है महाप्राण। यहाँ प्राण का अर्थ वायु से है। जिन व्यंजनों को उच्चारण में मुंह से हवा कम निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं, और जिनके उच्चारण में मुंह से हवा ज्यादा निकलती है उनको महाप्राण कहते हैं। देखो अल्पप्राण और महाप्राण में आपको ज्यादा रखने की करने की जरूरत है नहीं। देखो अल्पप्राण के अंदर ये ना एक कैसे दिखता है आपको? तीन के जैसा। एक तो लिख लो आप तीन नंबर, ये तीन नंबर लिख लिया। अब देखना आप याद करने का तरीका, देखो तीन नंबर लिख लिया, तीन नंबर के जस्ट पहले विषम संख्या कौन सी आएगी? एक, और तीन के जस्ट बाद विषम संख्या कौन सी आएगी? पांच। ये तो कौन से हो गए? अल्पप्राण यानी कि एक तीन और पांच, यानी कि आप इनको देख लो आराम से, एक तीन और पांच, ये हमारे तीनों के तीनों वर्ग कौन से हो गए? ये हमारे अल्पप्राण। ज्यादा याद करने की जरूरत आपको है नहीं, साथ में याद हो जाएंगे, बस ध्यान लगाकर आप बैठे रहो यहाँ पे। इसके बाद कौन से? दो वर्ग, दो और चार बचे ना, इसको आप ऐसे याद कर लो। अब पीछे बचे कौन से हो गए? ये हो गए हमारे महाप्राण। आपको बस इससे याद रखना ये क्या है? तीन, तीन, तीन के जस्ट पहले विषम संख्या एक और जस्ट बाद पांच। बस एक तीन और पांच तो हमारे हो गए अल्पप्राण, और बाकी दो बचे वो हमारे हो गए महाप्राण। अब बात करते हैं ये लेवे की और से 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 और हे की। ये हो गए हमारे अल्पप्राण। और ये हमारे हो गए महाप्राण। छोटी सी बात यहाँ आप लिख लेना नोट लगा के, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। देखो साथियों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम देख रहे थे बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं। पहला हमारा है अल्पप्राण, दूसरा हमारा है महाप्राण। मैंने आपको बोला कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप शिद्दत के साथ कक्षा में बैठे रहो, आपको यहीं इस पर याद हो जाएगा। जैसे हम अल्पप्राण की बात करते हैं, स्टार्ट में देखो ये ए ना, ये आपको कैसे दिख रहा है? तीन के जैसे, मतलब तीन, तीन के जस्ट पहले विषम संख्या एक, तीन के जस्ट बाद विषम संख्या पांच। ये लो हो गया आपका काम, और हो गया बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण का खेल खत्म। ये तो हमारे हो गए अल्पप्राण, पीछे जो बचे हो गए हमारे महाप्राण, ठीक है।
इनका तो हो गया, वर्गीय व्यंजनों का तो हो गया हमारा खेल खत्म। उसके बाद रहे ये रे ले वे, इनको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर लो ए से, यानी अल्पप्राण। ये बाकी से और हे हो गए हमारे महाप्राण, और सभी स्वर को हम कहते हैं अल्पप्राण। इसे आप नोट लगा कर लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना। वैसे आप इसको याद करने की ट्रिक अच्छी है। अल्पप्राण स्वरों क्या होता है, सबसे पहले ए, उसके बाद आ। हमारे स्वर भी ए आ से शुरू होते हैं और हमारी अल्पप्राण नाम भी ए से शुरू हो रहा है। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हमारा होता है कंप्लीट। आप बस डायरी में उतारते रहिए और साथ साथ में हम आपको याद करवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आप कक्षा में बड़ी शिद्दत के साथ बैठे रहिए। आने वाली राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जिनमें हिंदी विषय का वेटेज है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप हमारे साथ बने रहते हो तो आपकी हिंदी एक अच्छे लेवल की मजबूत कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे। स्वर तंत्रियों के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। किसके आधार पर? स्वर तंत्रियों के आधार पर। हम बात करते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को हम वर्गीकरण दो भाग में करते हैं। इसमें हम करते हैं एक तो एकोष और एक करते हैं हम शेकोष। हमारा पहला वर्गीकरण है एकोष, दूसरा हमारा है शेकोष। स्वर तंत्र के आधार पर हम करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले आप हमारे साथ में जिस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ उसी फॉर्मेट में आप सबको लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे के वर्ग, के खे के गे चे छे जे जे। साथ साथ में लिखते रहना, आपको ऐसा नहीं हो कि आप लिखो ही नहीं। लिखना बहुत जरूरी है कि जिस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं उसी फॉर्मेट में जब भी आप देखोगे ना तो आपको सीधा याद हो जाएगा कि हमने उस टाइम क्या पढ़ा था। ने, ने, थे, बे, बे, में, ये, रे, ले, वे, शे, से, से, है। अब बात करते हैं हम एकोष कौन से हैं और शेकोष व्यंजन कौन से हैं। ठीक है साथियों, एकोष व्यंजन में हम लेंगे के वर्ग का, यानी कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन को। ये हमारा प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन। इनके साथ ही हम लेंगे इसमें से, शे, शे और हे। ये हमारे सभी के सभी क्या है साथियों? एकोष। ये क्या हो गए हमारे? एकोष व्यंजन। बाकी जो बचे ना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद हमारा देखो ये रे ले वे, ये हमारे हो गए सभी के सभी शेकोष। देखो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और से, से, से और हे, ये तो हमारे हो गए एकोष व्यंजन। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा और ये रे ले और वे हो गए हमारे शेकोष व्यंजन। साथ में आप एक छोटा सा नोट लगा कर लिख लेना, सभी स्वर शेकोष होते हैं। यहाँ पे सभी
स्वर से घोष होते हैं। चलो एक बार हम डिवीजन कर लेते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को हमने दो भागों में बांटे हैं। कितने भागों में साथियों? दो भागों में। पहला भाग हमारा है इसमें ए घोष और दूसरा हमारा क्या है? से घोष। बात करते हैं हम ए घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ए घोष व्यंजन हम लेंगे प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन। ठीक है साथियों, ए घोष में लेंगे हम प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन के साथ लेंगे हम से और है। बात करते हैं उसके बाद से घोष व्यंजन की। से घोष व्यंजन हम लेंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। उसके साथ हम लेंगे ये, रे, ले और वे। उसके बाद आखिर में आपको एक नोट लगा कर लिखना है, सभी स्वर से घोष होते हैं। ठीक है साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।